माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें हम आ गए थे आईटी चेंज मैनेजमेंट करके चैप्टर में आ गए थे, और हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया था। तो बेसिकली हमने ये जाना था कि चेंज कॉन्स्टेंट है, चेंज हो रहा है, और चेंज की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, और उस चेंज को हम मैनेज करने के लिए चेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पैदा कर रहे हैं। यानी उस चेंज को मैनेज करने के लिए चेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का यूज़ हो रहा है, और चेंज बहुत तेज़ी से आ रहा है। चेंज ऑर्गेनाइजेशन के का की एस्पेक्ट हो गया है, और आईटी एनवायरनमेंट तो डायनामिक हो गया है, यानी कि एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट हो गया है। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रही है, ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो रही हैं, और ये चेंजेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं कॉन्स्टेंट बेसिस पर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पर कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रहे हैं। तो यानी कि 4-5 साल में मालूम पड़ा पूरा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाता है किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि 4 या 5 साल के अंदर, 4-5-6 साल के अंदर पूरी एक नई जनरेशन आ जाती है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक नई जनरेशन आ जाती है। तो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। चेंज को हमें मैनेज करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। चेंज कोई भी आईटी कंपोनेंट, सारे आईटी कंपोनेंट्स को इनकम्पास करता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटी, एप्लीकेशन, डाटा, इवन जो आदमी उसे मैनेज कर रहे हैं उन्हें भी चेंज होना पड़ता है, क्योंकि चेंज सिस्टम चेंज हो रहा है तो उन्हें भी चेंज होना पड़ेगा। सिस्टम चेंज हो रहा है तो उन्हें सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, और सिस्टम को रन करना पड़ेगा तो वहाँ पर चेंज होना पड़ेगा। तो जब ये सारी चीज़ें चेंज होंगी तो पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस भी चेंज हो जाएंगी। यानी पॉलिसीज चेंज होंगी, चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी बनेंगी, और कई बार चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज अनसर्टेन है। चेंज जो होता है कि वो फ्यूचर में होता है, अनसर्टेन होता है, तो आप उसको, उसके लिए एक परफेक्ट पॉलिसी और प्रोसीजर्स नहीं बना सकते हैं। जब चेंज आता है, कुछ नया स्टैंडर्ड आता है, तो नई स्टैंडर्ड्स, नई टेक्नोलॉजी आती है तो नए स्टैंडर्ड्स इशू हो जाते हैं ना, नए स्टैंडर्ड्स इशू हो जाते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स नए टाइप के इशू हो जाते हैं। और जब वो इशू होते हैं तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड चेंज हो जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, प्रोसीजर सब चेंज होते हैं उसी की वजह से। तो यानी कि जो चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी हैं आज की डेट में, उन्हें भी चेंज होना पड़ रहा है। तो इस चैप्टर में जो है हमें जो आईटी चेंज मैनेजमेंट के बारे में बनाया बताया गया, और क्यों बताया गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और ऑडिट करेंगे, तो उस चेंज मैनेजमेंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और पर्टिकुलर चेंज मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हमें देखनी पड़ेंगी कि भाई चेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे आप मैनेज करते हैं। तो हमारी स्टडी में की एरियाज़ और इम्पैक्ट दिए हुए हैं आईटी चेंज मैनेजमेंट में, और बताया गया है कि आईटी रिसोर्सेज और रिलेटेड कंट्रोल्स में चेंज आ सकता है, जो कि फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, डाटा, लोग हैं, कंट्रोल्स हैं, इन सब से रिलेटेड होते हैं। तो पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी चेंज आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्यों चेंज आ सकता है, क्योंकि पहले हो सकता है कोई एक प्रोसेस है उसमें 10 आदमी काम कर रहे हो, चेंज आने के बाद प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, और 10 आदमी की जगह 2 आदमी काम करने लग जाए, तो प्रोसेस ही चेंज हो गई मालूम पड़ा। वहां पर पहले 10 आदमी थे, अब 2 आदमी काम करने लग रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आदमी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आदमी पर डिपेंडेंट होता है, एम्प्लॉई पर डिपेंडेंट होता है। जब प्रोसेसेस चेंज हो जाएंगी, और आदमी प्रोसेसेस पर भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होता है, तो प्रोसेसेस और एम्प्लॉई पर डिपेंडेंट होता है। जब आदमी ही चेंज हो जाएंगे, प्रोसेसेस ही चेंज हो जाएंगी और वो ऑटोमेट हो जाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो की एरिया जो इम्पैक्ट होते हैं चेंजेस से, उसमें इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो हमने पढ़े हैं पहले सेशंस में, वो सारे चेंज हो सकते हैं। तो आईटी चेंज मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में चेंज ला सकता है, किस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर रहे हैं उसमें चेंज ला सकता है। ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर हैं हमने बोला, वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर में भी चेंज आ सकता है, हाई लेवल ऑफ, उससे बढ़िया क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स आ सकते हैं जो चेंज मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करें, चेंज मैनेजमेंट को ऑटोमेट, मोर एंड मोर ऑटोमेट करने में हमारी हेल्प करें। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में ही चेंज आ सकता है, यानी चेंज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में भी चेंज आ सकता है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस ऑब्जेक्टिव में भी चेंज आ सकता है,
और किस तरह से उस बिज़नेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें उसमें भी चेंज आ सकता है। आईआईटी के कंपोनेंट की अकाउंटिंग में चेंज आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला था कि अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो आप यूज़ करो तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कौन कौन सा हार्डवेयर है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन कौन सा वर्जन है आपको बता देते हैं। तो पहले क्या होता था कि आपको फिज़िकली टैली करना पड़ता था, फिज़िकली गिनना पड़ता था कौन कौन हार्डवेयर है। आज की डेट में क्या है, सॉफ्टवेयर आपको बता देता है, सॉफ्टवेयर में जैसे ही सिस्टम ऑनलाइन हुआ आपको बता देता है, वो कुछ दिनों में सारे सिस्टम ऑनलाइन होते मालूम पड़ा। आप लैपटॉप लेकर सेल्स वाला बंदा है बाहर गया है, अचानक से दो दिन बाद उसने ऑन किया और सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि भाई ये सिस्टम हमारी कंपनी का है, हमारी सिस्टम की इन्वेंट्री में उसे डाल दिया। तो अकाउंटिंग के मेथड्स, आईटी कंपोनेंट के अकाउंटिंग के मेथड्स चेंज हो, मतलब अकाउंटिंग के मेथड्स चेंज होते चले जा रहे हैं। अनऑथराइज्ड अल्ट्रेशन रोकने के लिए जो कंट्रोल्स लगे हैं वो भी चेंज होते चले जा रहे हैं। फिज़िकल एग्जिस्टेंस वेरीफाई करते थे, पहले हम फिज़िकल वेरीफिकेशन करते थे हम एसेट्स का, अब उसका मेथड चेंज हो रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिकली वो बता देता है कि ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास। तो चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर्स भी चेंज हो रहे हैं, यानी कि चेंज को पैसे पहले हम जैसे मैनेज करते थे वो प्रोसीजर्स चेंज हो रहे हैं। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन क्यों चेंज हो रहा है, आईटी चेंज हो रही है, आईटी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। आईटी एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है, आईटी एनवायरनमेंट इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस आ रही है। जो 100 ईयर्स में हम टेक्नोलॉजी बनाते थे वो 5 या 7 साल में बना ले रहे हैं। उतना टेक्नोलॉजिकल फासला हम 5 या 7 साल में तय कर ले रहे हैं, और जो पिछले 5-7 साल में हमने टेक्नोलॉजिकल फासला तय किया वो साल भर में हम उससे कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजी पैदा कर दे रहे हैं। तो एक एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ आ रही है और मूर्स लॉ ने इसका हेल्प किया। मूर्स लॉ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमारी स्टडी में एक ओवरव्यू दिया है चेंज मैनेजमेंट पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स का, और उसमें ये बोला गया है कि आईटी प्रोसेस को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हम चेंज को मैनेज कर सकें, और बिज़नेस गोल्स पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बिज़नेस गोल्स भी चेंज हो सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा डिस्ट्रप्शन ना हो, अनऑथराइज्ड अल्टरेशन ना हो, एरर्स ना आए। कहने का मतलब ये है कि मालूम पड़ा, अगर मान लिया सिस्टम चेंज हो रहा है तो उसमें अनऑथराइज्ड अल्टरेशन ना हो। मानो पड़ा पहले क्या हो, 10 आदमी थे किसी पर्टिकुलर सिस्टम में, अब वहाँ पर एक सिंगल आदमी उस सिस्टम को हैंडल करने लग गया है। पहले उस सिस्टम की एक प्रोसेस होती थी, डेटा कोई और डालता था, वेरीफाई कोई और करता था, चेंज अगर डेटा करना है तो कोई और करता था, लेकिन अब एक आदमी हो गया, उन 10 आदमियों की जगह एक आदमी हो गया है, तो अब वो एल्टर कर सकता है। तो अनऑथराइज्ड अल्टरेशन तो नहीं कर रहा है, एरर्स तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर करता है जो कि इन सारे चेंजेस को एनालाइज कर सके और इंप्लीमेंट कर सके। तो बेसिकली हमारी स्टडी में कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स दिए हैं जो कि चेंज मैनेजमेंट को आउटलाइन करते हैं, मतलब कोविड मैनेजमेंट गाइडलाइंस दी हुई, कोविड की गाइडलाइंस दी हुई। तो उसमें जैसे उसे बेसिकली हम चेंज को मैनेजमेंट ईजी मैनेज कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस कह सकते हैं उसको। तो सबसे पहले क्या है, चेंज पॉलिसीज़ क्लियर कट होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, रिगोरस होनी चाहिए, सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारी स्टडी कह तो देती है कि चेंज पॉलिसीज़ जो हैं क्लियर कट होनी चाहिए, नोन होनी चाहिए, रिगोरस होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी, चेंज इतनी तेज़ी से आ रहा है कि चेंज मैनेजमेंट पॉलिसीज़ कम पड़ जाती हैं। तो वहाँ पर आपको सिचुएशन के अनुसार सोचना पड़ता है। तो आपको यह पॉलिसी इस तरह की बनानी पड़ती है कि उस सिचुएशन का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि चेंज अगर एक लेवल से ज़्यादा का आप चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी अगर उन चेंजेस के बारे में ना बता पाए तो फिर किस तरीके से आप मैनेजमेंट की हेल्प लेंगे उस केस में, क्योंकि बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ पर चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी आपको क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं दे पाएंगी क्योंकि चेंज इतनी तेज़ी से आ रहा है, चेंज इतने स्पीड से आ रहा है, और चेंज जो है फ्यूचर में होता है और चेंज जो है अननोन होता है, आपको पता नहीं होता है कि क्या आने वाला है। आपको ये पता नहीं होता है, कई कई कंपनी को तो ये पता नहीं चलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोडेक जैसी कंपनी है, कोडेक जैसी कंपनी को ये पता नहीं चल रहा है रातों रात कोडेक जैसी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। कोडेक जैसी कंपनी जो सालों साल खड़ी थी, जो
फोटोग्राफी में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती थी, वन फाइन मॉर्निंग बैंकरप्ट हो गई। उसको पता नहीं चला कि उसे क्या चीज़ हिट कर गई। तो कहने का मतलब है, चेंज मैनेजमेंट पॉलिसीज़, क्लियर कट पॉलिसीज़ नहीं होती हैं, चेंज अननोन होता है, चेंज को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी जो है पूरी तरीके से चेंजेस के बारे में कई बार नहीं बताती, तो उस टाइम पर चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी को इस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चेंज मैनेजमेंट स्ट्रांगली इंटर रिलेटेड है रिलीज मैनेजमेंट से और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से। रिलीज मैनेजमेंट का मतलब ये कौन सा वर्जन रिलीज़ हुआ। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ये देखता है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम अगर आपके पास है, अगर सिस्टम ऑपरेट अपग्रेड हुआ, जैसे विंडो है, विंडो 8.8 आया, फिर 8.1 आया, 10 आया, तो सडनली सारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में कौन सा वर्जन है, क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये सब कौन करेगा, ये एक सॉफ्टवेयर करेगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर करेगा, ये सारी डिटेल्स उसमें होगी। आपकी कंपनी में बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे जिसमें 10,000 एम्प्लॉई हैं, तो हो सकता है वहाँ पर न जाने कितने हज़ार सॉफ्टवेयर्स हों, तो उन सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करना कोई इजी बात नहीं है। उस वहाँ पर अलग अलग टाइप के सर्वर्स हैं, अलग अलग क्लाइंट्स हैं, अलग अलग टाइप के सर्वर्स हैं, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं। पर्टिकुलरली आउटसोर्स कंपनी है, जैसे जेनपैक जैसी कंपनी है, HCL जैसी कंपनी है, वहाँ पर पचासियों प्रोसेस है, हज़ारों प्रोसेस है। अगर हज़ार प्रोसेस है तो उसमें हज़ार तरह के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, हर क्लाइंट के अपने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, और वो उन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स में काम कर रहे हैं, उनमें पर्टिकुलरली उन वहाँ पर जो उनका कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्जन है उसका, क्योंकि वहाँ सॉफ्टवेयर्स का वर्जन चेंज हो रहा होगा, हार्डवेयर्स चेंज हो रहे होंगे। तो चेंज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स को आपको रिलीज मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है, यानी या फिर हम कहें चेंज मैनेजमेंट को रिलीज मैनेजमेंट के साथ इंटर रिलेट करना और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक रैपिड और एफिशिएंट प्लानिंग होनी चाहिए, अप्रूवल फटाफट अप्रूवल मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई चेंज आ रहा है तो उस केस में क्लियर कट डायरेक्शंस मिलने चाहिए, फटाफट अप्रूवल्स मिलने चाहिए। प्लानिंग अगर कुछ करनी है तो या तो पुराना प्लान हो, अगर प्लान नहीं है उस चेंज के चेंज आने के बाद, चेंज के पता होने के बाद प्लानिंग करनी है तो रैपिड प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि चेंज का आइडेंटिफिकेशन हो जाए, कैटेगराइजेशन हो जाए, इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाए, क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा चेंज। जैसे कोटक जैसी कंपनी अचानक गायब हो गई, तो वो इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट ये था कि अचानक कोटक जैसी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो इम्पैक्ट असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, चेंज को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ऑटोमेटेड प्रोसेस टूल्स आते हैं जो कि वर्क फ्लो डेफिनेशन को सपोर्ट करते हैं, प्रोफॉर्मा वर्क प्लान क्रिएट करते हैं, अप्रूवल टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं, टेस्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ऑटोमेटेड प्रोसेस टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्ट प्रोसीजर्स होनी चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर टेस्ट प्रोसीजर्स होनी चाहिए उसको चेंज। अगर मान लीजिए सपोज कोई सॉफ्टवेयर है, यूज़ करने से पहले आपको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है। यूज़र जब टेस्ट एक्सेप्टेंस कर ले, टेस्ट यूज़र जब टेस्ट कर ले और फिर एक्सेप्टेंस कर ले, अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, उसी के बाद उन चीज़ों को चेंज, उन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स के वर्जन को चेंज करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर यूज़र ने एक्सेप्टेंस नहीं दी और वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने के बावजूद भी काम का नहीं हुआ, कई बार अपग्रेडेशन होता है रॉन्ग डायरेक्शन में अपग्रेडेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एक सिस्टम होना चाहिए ट्रैकिंग का इंडिविजुअल चेंजेस को, और एक प्रोसेस पैरामीटर होना चाहिए। तो कौन कौन से चेंज इंडिविजुअल चेंजेस आ रहे हैं उसकी ट्रैकिंग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए सपोज आपका ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ डेवलप कर रहा है, या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करके आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है, तो एक पहले तो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि एक फॉर्मल प्रोसेस होनी चाहिए हैंडओवर की, ताकि पता रहे कि इसमें इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम आई थी।
तो चेंज कहीं पर भी इम्पैक्ट ला सकता है, कैपेसिटी में इम्पैक्ट ला सकता है, परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट ला सकता है, और इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें जो भी एप्लीकेशन लगाने पड़ेंगे, अप टू डेट कंप्लीट एप्लीकेशन लगाने पड़ेंगे। मतलब ऐसा है कि मालूम पड़ा मार्केट में विंडो 10 चल रहा है और आप विंडो 95 यूज़ कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी अपने आप कम हो जाएगी। आईटी के टूल्स को यूज़ करने के बावजूद भी आप लोअर प्रोडक्टिव हो गए और कंपनी आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और मार्केट से बाहर हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, चेंज जो प्रोसेसेस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। चेंजेस को देखना, इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करना, ये बहुत ज़रूरी है। एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस होनी चाहिए सक्सेस, ये मतलब कोई भी प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर जा रही है उसके सक्सेस के लिए एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस होनी चाहिए, और उससे ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस ना हो तो इंडिपेंडेंट व्यू से हमें देखना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर सही रहेगा नहीं रहेगा, फेलियर तो नहीं होगा। पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मालूम पड़ा वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है तो वहाँ पर एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए सपोज एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है और कई कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका सेपरेट डेवलपमेंट टीम्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो डेवलपर और प्रोडक्शन दोनों के बीच में सेग्रीगेशन होना बहुत ज़रूरी है, ड्यूटी का सेग्रीगेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ कोविड की मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं जो कि चेंज में को मैनेज करने के लिए हमें हेल्प करती हैं। ज़रूरी नहीं है पूरी तरीके से हम चेंज को मैनेज कर लें, लेकिन अगर हमने पॉलिसी बनाई वो क्लियर कट पॉलिसी है, काफ़ी हद तक पॉलिसी क्लियर कट है। उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हमारे पास हैं, उसके बाद रैपिडली प्लानिंग डेवलपमेंट अप्रूवल होता है, ऑटोमेटेड प्रोसेस टूल्स हैं हमारे पास। अगर यूज़र को कोई नया सॉफ्टवेयर मिलता है तो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, उसी के बाद यूज़र को सॉफ्टवेयर नया सॉफ्टवेयर या अपग्रेडेशन अगर नया वर्जन यूज़ करने के लिए उसको दिया जाता है, पहले टेस्टिंग होती है, एक पर्टिकुलर फॉर्मल प्रोसेस होती है। अगर मान लिया कोई नया सॉफ्टवेयर है डेवलप हो रहा है और उसके बाद हैंड प्रोडक्शन में आ रहा है तो एक फॉर्मल प्रोसेस होनी चाहिए और एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस होनी चाहिए वेरिफिकेशन की, कि अगर मान लिया सपोज हम एक हार्डवेयर डाल लगा रहे हैं या सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं, तो बेसिकली अगर ये सारी चीज़ें फॉलो की जाएंगी जो कि हमें कोविड मैनेजमेंट गाइडलाइंस बताती हैं तो एक उस आईटी चेंज को मैनेज करने में ईजी रहेगा। तो इसी परस्पेक्टिव से हमें ऑडिट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो इसी परस्पेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा। हाँ, हमें देखना पड़ेगा चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी है कि नहीं है। चेंज मैनेजमेंट पॉलिसीज़ में अगर अननोन चेंजेस के लिए, अननोन सिचुएशंस के लिए को किस तरह से हैंडल करें, वो पॉलिसीज़ में क्लियर कट गाइडलाइंस दी गई हैं कि नहीं दी गई हैं, और उसके बाद रैपिड प्लानिंग होगी कि नहीं होगी, अगर चेंज आएगा तो रैपिड प्लानिंग अप्रूवल की इसके लिए पॉलिसीज़ में जगह है कि नहीं है, ऑटोमेटेड प्रोसेस टूल्स हैं कि नहीं है, अगर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो उसके वर्जन्स रखे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं सारे सॉफ्टवेयर्स के, और अगर एक सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो एक फॉर्मल हैंडओवर प्रोसेस है कि नहीं है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आईटी के चेंज को ईजी बनाएंगी, एफिशिएंट बनाएंगी। इसके बाद हमारी स्टडी अगला टॉपिक बताती है कंट्रोल्स फॉर इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट। वो कहती है कि इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट के लिए कुछ कंट्रोल्स होना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में बताती है। तो आईटी प्रोसेस 6 कोविड डोमेन की आईटी प्रोसेस 6 जो है वो एक्विजिशन और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में है, और वो नई चीज़ों को एक्वायर करना और उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में, किस तरीके से हम एक्वायर करेंगे और किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसका स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड से हम क्या है, अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो स्टैंडर्ड्स का यूज़ करेंगे तो चेंज ईजी हो जाएगा, क्योंकि जब चेंज आएगा तो हम क्या है एक्वायर करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ों को, नए सॉफ्टवेयर को एक्वायर करेंगे, नए हार्डवेयर को एक्वायर करेंगे, नए सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे, नए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो एक्विजिशन और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोविड के अनुसार होगा, कोविड तो इजी होगा। तो आईटी प्रोसेस 6 कोविड डोमेन की ये कहती है कि जब भी हम कंट्रोल्स कहीं पर लगाने की सोचेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं।
तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे चेंजेस आते हैं, जैसे हार्डवेयर, नई हार्डवेयर, नए सॉफ्टवेयर्स के लिए रिक्वेस्ट आती है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर मान लिया सपोज कोई एक रिक्वेस्टर होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े चेंजेस भी आते हैं, छोटे छोटे चेंजेस भी आते हैं, तो चेंज की रिक्वेस्ट कहीं से आएगी? या तो टॉप मैनेजमेंट से आएगी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से आएगी अगर बड़े चेंजेस हों, और छोटे छोटे चेंजेस की भी रिक्वेस्ट आ सकती है। तो आईटी मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो एक प्रोसेस के अनुसार उनकी रिक्वेस्ट की जा रही है कि नहीं की जा रही है। सारे चेंजेस हैं, सिस्टम मेंटेनेंस चेंजेस हैं, ये सप्लायर मेंटेनेंस चेंजेस हैं, ये सारे के सारे स्टैंडर्डाइज्ड हैं कि नहीं है, एक फॉर्मल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है कि नहीं है। चेंज को कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है, प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होनी चाहिए अर्जेंट मैटर्स के लिए। अगर कोई अर्जेंट मैटर है, अगर मान लिया BCP होगी, बिजनेस कंटिजेंसी होगी, या अगर कोई ऐसा चेंज आ गया, कोई ऐसा वायरस आ गया या कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसमें एक फॉर्मल चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर्स के थ्रू हम नहीं जा सकते, तो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होनी चाहिए। तो कहना का मतलब ये है कि नॉर्मली तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस से हम जाएंगे, फॉर्मल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेसेस से जाएंगे, लेकिन अगर मान लिया सपोज अचानक कोई डिज़ास्टर स्ट्रक कर गया या कोई चेंज आ गया मार्केट में, तो उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर्स होनी चाहिए। उसके अलावा एक कमिटी होनी चाहिए या एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होना चाहिए जिससे कि कोई भी चेंज आ रहा है या कोई भी नया हार्डवेयर आ रहा है, कोई भी नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो उसका पॉसिबल इम्पैक्ट सिस्टम में पता चलना चाहिए, उसकी फंक्शनैलिटी का इम्पैक्ट पता चलना चाहिए। कहना मतलब ये है कि अगर कोई हम नया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहली चीज़ हार्डवेयर को किस तरह से एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, हार्डवेयर कर क्या सकता है, ये सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और किस तरीके से हम उसको मैक्सिमम यूज़ में ला सकते हैं, और दूसरी बात वो दूसरे सिस्टम्स को इम्पैक्ट करता है तो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। अगर कहीं सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, पुरानी सिक्योरिटी जो हमने पुरानी सिक्योरिटी प्रोसेसेस अगर इम्प्लीमेंटेड है और अगर हम उनको चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर नया प्रोसेस आ रही है तो हमें कुछ सिक्योरिटी प्रोसेसेस में चेंज करना पड़ेगा, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे सिक्योरिटी इम्पेयर हो जाए, तो हमें ये देखना पड़ेगा सिक्योरिटी इम्पेयर तो नहीं हो रही है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बोला कि जो आईटी मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा कि चेंज मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और चेंज अगर आ रहा है तो चेंज मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो या तो सॉफ्टवेयर का कंट्रोल होना चाहिए या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स होने चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए जो इस चेंज को ट्रैक करने में हमारी हेल्प करें, और ट्रैकिंग के बाद हम उसे कंट्रोल कर सकेंगे, ताकि जो चेंजेस आ रहे हैं एप्लीकेशन सिस्टम में उसे मॉनिटर तो कर सकें। अगर मान लीजिए सपोज एक सॉफ्टवेयर है, अगर आपकी एक कंपनी है और कंपनी में 10,000 सॉफ्टवेयर्स हैं, अब हर सिस्टम में आपको जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या है, अपग्रेड तो नहीं हुआ, कि इसकी सिचुएशन क्या है। अगर मान लिया इंडिविजुअल अपग्रेडेशन करना बहुत ईजी है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए, सपोज उसकी साइट में जाओ और अपग्रेड कर दो, तो लोगों के पास, लोग ऑटो अपग्रेड तो नहीं कर रहे हैं, खुद अपग्रेड तो नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपके 10,000 सॉफ्टवेयर्स हैं आपकी कंपनी में लगे हैं तो आप ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? ट्रैक रिकॉर्ड रखना डिफ़िकल्ट होगा, तो उसके लिए ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स होने बहुत ज़रूरी हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स होने बहुत ज़रूरी हैं जो वर्जन को मैनेज करें, जो अपग्रेड्स को मैनेज करें, जो पैचेस को मैनेज करें। उसके अलावा अगर मान लें सपोज कोई स्पेसिफिक चेंजेस आ जाते हैं, मतलब आईटी मैनेजमेंट को के पास ऐसे प्रोसीजर्स होने चाहिए कि अगर मान लें सपोज कोई चेंजेस आ रहे हैं, नॉर्मल प्रोसेस में टाइम लगेगा, कोई टेक्निकल ऑपरेशनल मैनेजमेंट चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि प्रायर असेसमेंट किस तरीके से होगा, क्योंकि अगर इमरजेंसी चेंजेस आ रहे हैं तो क्या है कि इमरजेंसी चेंजेस में जो है आपको काम इमरजेंसी के बेसिस पर करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा, स्पीडीली करना पड़ेगा, असेसमेंट वहाँ पर फास्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो चेंज प्रोसेस में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि अगर मान लें सपोज कोई चेंज प्रोसेस के थ्रू हम गुजर रहे हैं और चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर कई बार क्या है कि पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, मतलब अगर कोई सिस्टम चेंज हो रहा है तो हमें उसका डॉक्यूमेंटेशन को चेंज करना पड़ेगा, प्रोसीजर्स को चेंज करना पड़ेगा, उनको अपडेट करना पड़ेगा,
और अगर पॉलिसी को ही हम चेंज करें उसको अपडेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि पॉलिसी चेंज हो रही, प्रोसीजर चेंज हो रहे हैं। अगर नए स्टैंडर्ड्स आ गए हैं नए थ्रेट्स की वजह से, नए सिस्टम्स की वजह से, तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा उन स्टैंडर्ड्स के अनुसार। तो आईटी मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो मेंटेनेंस पर्सनल्स हैं उनके पास स्पेसिफिक असाइनमेंट्स हों और वो असाइनमेंट को वो प्रॉपरली मॉनिटर करें, क्योंकि जो भी मेंटेनेंस पर्सनल हैं वो क्या करते हैं, वो भी चेंज लाते हैं, मेंटेन करना। कोई सिस्टम को मेंटेन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। आज उसका एक पर्टिकुलर वर्जन है, कल बेटर वर्जन लेने की कोशिश कर रहे हो, उसमें उसको मेंटेन कर रहे हो, सिस्टम को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रहे हो। तो जो भी मेंटेनेंस पर्सनल हैं उनको ये देखना, वहाँ पर क्या प्रोसीजर्स है इसको आपको देखना पड़ेगा, क्या रिस्क है वहाँ पर, कि क्या अगर मान लिया सपोज अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं होती है ऑटोमेटेड सिस्टम्स की, अनऑथराइज्ड चेंजेस तो नहीं होते हैं वहाँ पर। अगर कोई सॉफ्टवेयर रिलीज हो रहा है तो वो फॉर्मल प्रोसीजर्स के अनुसार रिलीज होना चाहिए, साइन ऑफ होना चाहिए, पैकेजिंग होनी चाहिए, रिग्रेशन टेस्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर हैंडओवर होना चाहिए और उसके लिए स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल्स मेजर्स होने चाहिए। क्योंकि स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल मेजर ही ये देखेंगे कि सही वर्जन आया है कि नहीं आया है, सही आदमी के पास सही सॉफ्टवेयर गया है कि नहीं गया है, और एक वो इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी मेंटेन करके रखेंगे, टाइमली मैनर में मेंटेन करके रखेंगे और एडिकेट ट्रेल्स क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये जो बातें हमारी हो रही हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो रही हैं, जहाँ पर 10,000 सॉफ्टवेयर से, 10,000 सिस्टम से, 10,000 आईटी के रिसोर्सेज काम कर रहे हैं। लेकिन उसको थोड़े छोटे इन्वायरमेंट में भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन की प्रस्पेक्टिव में देखेंगे तो वहाँ पर चेंज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सोचिए कि अगर मान लिया सपोज जेनपैक जैसी कंपनी है और वहाँ पर गया है 85 सॉफ्टवेयर्स हैं, 85 प्रोसेसेस हैं और 100 प्रोसेसेस हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसेस हैं, और हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसेस में थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, और उन हज़ारों सॉफ्टवेयर्स को आपको मैनेज करना है। आपको पता होना चाहिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा वर्जन है, कौन अपग्रेड हुआ, कौन नहीं अपग्रेड हुआ, कौन किस में अपग्रेडेड पैचेस चल चुके हैं, कहाँ अपग्रेडेड पैचेस नहीं लगे हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस बन जाती है, एक पूरी पूरा एक डिपार्टमेंट क्रिएट हो सकता है, चेंज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। फाइनली हमारी स्टडी ये बताती है कि किस तरीके से हम आईटी चेंज मैनेजमेंट का ऑडिट करेंगे, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के अनुसार आईटी चेंज मैनेजमेंट को किस तरह से ऑडिट करेंगे। तो आईटी चेंज मैनेजमेंट को ऑडिट करने के लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा केवल अप्रूव चेंजेस किए गए हैं कि नहीं किए गए, अनअप्रूव चेंजेस तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि लगा होता है आपका विंडोज़ लगाए या कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपडेट हो रहा है, और आईटी को पता ही नहीं है कि वो रेगुलर बेसिस पर अपडेट हो रहा है। अप्रूव चेंजेस नहीं है, वो अनअप्रूव चेंजेस भी नहीं है, लेकिन अप्रूव चेंजेस भी नहीं है। तो अप्रूव चेंजेस होनी चाहिए, सारे चेंजेस आईटी को पता होनी चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, ऑटो अपग्रेड हो रही हैं, आईटी को पता ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए सपोज आपके पास लाइब्रेरी है चेंजेस की, करंट लाइब्रेरी जो है वो रीसेंट चेंजेस होनी चाहिए करंट लाइब्रेरी में, और अगर कोई चेंज प्रोसीज कंट्रोल प्रोसीजर में कुछ वेरियंसेज हैं उनको रिकॉर्ड करना चाहिए, उनको अकाउंट करना चाहिए। दूसरी बात ये देखना पड़ेगा कि कोई अगर हम सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो इन हाउस डेवलप्ड है कि उसको परचेज किया गया है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग होगा। इन हाउस डेवलप किया गया तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगी, उसको ऑडिट करना होगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी से वो चेंज वो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ होगा, तो हमें उसे ऑडिट करना पड़ेगा, उसी तरीके से करना पड़ेगा जो कि हम प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं या क्या आ चुके हैं, और हमें कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, कौन से नए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स खरीदने पड़ेंगे, या करंट एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर में कोई नया वर्जन तो नहीं आ गया,
और कई बार क्या होगा, वेंडर भी चेंज से प्रभावित होगा, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वेंडर है, टैली का वेंडर है, पर्टिकुलर वेंडर है, हम वो हमारे सिस्टम्स में को अपग्रेड करता रहता है, लेकिन एक दिन पता चलता है कि एक दिन अचानक पता चलता है कि वो सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो वेंडर का ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा कंट्रोल चेंज की वजह से। तो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज लेते हैं, प्रोसीजर्स लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, चेंज मैनेजमेंट पॉलिसीज आप मंगाएंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्लान करने की पॉलिसीज, प्लानिंग पॉलिसीज मंगाएंगे कि क्या प्लानिंग है फ्यूचर की, उसी के अनुसार आपको उसी परस्पेक्टिव में आप चेंज समझ में आने लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज के लिए तैयार है नहीं तैयार है। चेंज कंट्रोल्स को ऑडिट करेंगे, चेंज हो रहे हैं तो उनका कैसे ट्रैक रखा जाता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को कैसे डील किया जाता है, और अगर मान लिया सपोज आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो सिक्योरिटी या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स देखेंगे, सिक्योरिटी आप देखोगे कि चेंज में क्या सिक्योरिटीज में क्या असर आता है, उसके बाद आप आईटी की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो आपने मंगाई हैं वो आप ये देखोगे अगर SDLC मेथोडोलॉजी यूज़ की जा रही है, अगर मान लिया सपोज सिस्टम को एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है तो वो कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ की जा रही है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, कब कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेनेंस इमरजेंसी चेंजेस होते हैं, सॉफ्टवेयर रिलीज होता है तो इन हाउस सॉफ्टवेयर अगर रिलीज़ करता है तो वो किस तरह से मैनेज किया जाता है, अगर इन हाउस नए वर्जन रिलीज़ करता है तो वो किस तरीके से उस चेंज को मैनेज किया जाता है, या बाहर से अगर कोई वर्जन लेना है, अपडेटेड वर्जन लेना है तो उस बाहर के वर्जन को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। इसके अलावा आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लान देखेंगे, चेंज कंट्रोल रिक्वेस्ट फॉर्म्स देखेंगे, लॉग्स देखेंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे चेंजेस आए हैं या मीडियम लेवल ऑफ चेंजेस आए हैं तो वो एक रिक्वेस्ट फॉर्म आया होगा, लॉग्स आए होंगे, और मैनेजमेंट अगर कोई चेंज कर रहा होगा तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा, तो आपको वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वेंडर के कॉन्ट्रैक्ट्स देखने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, वेंडर के कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको देखना पड़ेगा, अगर मान लिया कोई चेंज आ गया और वेंडर ऑब्सोल्यूट हो गया तो क्या होगा, और कई बार क्या होता है कि आपके पास डिस्क्रिशन होता है, चेंज उतना ज़्यादा नहीं होता है, आपके पास वेंडर का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसको कोई हम टर्मिनेट नहीं कर सकते 3 साल तक, नहीं तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो वहाँ पर कॉस्ट कंसिडरेशंस आ जाते हैं, उनको देखना पड़ता है कि वेंडर के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करें कि नहीं करें। ये जब आप देख लेंगे, ये ऑडिट कर लेंगे तो उसके बाद आपको कंट्रोल्स का ऑडिट करना पड़ेगा, कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो आप कंट्रोल्स के इवैल्यूएशन में क्या करोगे, आप ये देखोगे कि अगर सिस्टम की कोई चेंज की रिक्वेस्ट आई है तो उसको किस तरह से प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई एक रिक्वेस्ट आ गई, मालूम पड़ा फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक पर्टिकुलर अपग्रेडेशन की रिक्वेस्ट आ गई है, और वो अपग्रेडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉ चेंज हो गई है, और वो इंस्टेंटली चेंज होनी है, जल्दी चेंज होना है, उसकी प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंप्लायंस से रिलेटेड है, तो वहाँ पर क्या मेथोडोलॉजी होगी, अगर एक अलग अलग केसेस में क्या मेथोडोलॉजी होगी, क्रिटिकल सॉफ्टवेयर क्रिटिकल एसेट्स खरीदने हैं, टॉप प्रायोरिटी के एसेट्स खरीदने हैं, अगर टॉप प्रायोरिटी चेंजेस हैं तो वहाँ पर क्या किस तरह से मेथोडोलॉजी यूज़ हो रही है, इमरजेंसी चेंज प्रोसीजर्स हैं तो वो किस तरीके से ऑपरेशनल मैनुअल में इमरजेंसी चेंज प्रोसीजर प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं किए गए, और एक फॉर्मल प्रोसेस है चेंज की नॉर्मल कंडीशंस में, एक तो है अबनॉर्मल कंडीशंस, इमरजेंसी कंडीशन जहां पर इमरजेंसी चेंज प्रोसीजर्स होंगे, और एक नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं कि नहीं है, चेंज कंट्रोल लॉग्स हैं कि नहीं है, अगर कोई चेंज किया तो चेंज कंट्रोल लॉग्स होनी चाहिए। उसके अलावा ऐसा है कि अगर मान लीजिए सपोज आपने कोई सॉफ्टवेयर रखा तो आप ये देखोगे कि टर्न अराउंड टाइम क्या था चेंज रिक्वेस्ट से उसको इम्प्लीमेंट करने का, टाइमलीनेस देखोगे, कॉस्ट देखोगे, यूज़र सेटिस्फेक्शन आप देखोगे, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, यूज़र सेटिस्फेक्शन से आइडिया हो जाएगा कि यहाँ चेंज मैनेजमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेंजेस सही तरीके से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और यूज़र सेटिस्फाइड है कि नहीं है उस चेंजेस से,
तो अगर मान लिया सपोज कोई चेंजेस आ रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उन चेंजेस का, डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, करंट अगर डॉक्यूमेंट है, करंट डॉक्यूमेंटेशन है तो वो करंट एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता है, कोई प्रीवियस एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट तो नहीं करता है, वो पुराना है, करंट डॉक्यूमेंटेशन आपने मंगाया और मालूम पड़ा वो उसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आपने चेंजेस किए ही नहीं, डॉक्यूमेंट को अपडेट किया ही नहीं किया है, तो चेंज प्रोसेस को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा और अगर उसमें इम्प्रूवमेंट्स हैं उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स टाइम देखना पड़ेगा, रिस्पॉन्स की इफेक्टिवनेस देखनी पड़ेगी, यूज़र का सेटिस्फेक्शन देखना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें देखकर आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स कैसे हैं इस कंपनी के, क्या ये कंपनी चेंज को मैनेज कर सकती है कि नहीं कर सकती है, अगर वो चेंज को मैनेज नहीं कर सकती, अगर रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है, तो कंपनी जो है ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और आईटी में चेंज आ रहा है, आईटी में चेंज क्यों आ रहा है, मूर स्लॉ की वजह से चेंज आ रहा है, मतलब मूर स्लॉ से भी ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है एक्सेलरेटेड पेस से काम कर रही है, यानी 2, 4, 8, 16, 32, 64 डबल हर 2-3 साल में टेक्नोलॉजी पिछले प्रीवियस पॉइंट से डबल हो जाती है, यानी आज की डेट में अगर 2 है तो कल की डेट में 4, 8, 16, 32, 64, 124, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000 इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। अगर उस चेंजेस को मेजर किया जाए तो उसे एक्सपोनेंशियल चेंजेस कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल चेंजेस के टाइम पर आपको हमेशा चेंज के बारे में सोचते रहना पड़ेगा, चेंज को देखते रहना पड़ेगा, चेंज को एसिमिलेट करते रहना पड़ेगा, उस चेंज को मैनेज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में ऑर्गेनाइजेशन जो हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चेंज की वजह से ख़त्म हो जा रहे हैं, बैंकरप्ट हो जा रहे हैं, और गुमनाम ऑर्गेनाइजेशन जैसे फेसबुक अचानक $1 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन बन जा रहे हैं। तो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज के बिना हम रह नहीं सकते, चेंज आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मैसिव तरीके से आ रहे हैं, उन चेंजेस को हमें एसिमिलेट करना पड़ेगा, लेकिन वो चेंजेस अगर हम एसिमिलेट करेंगे तो कई बार क्या होगा, कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो हमारे पास चेंज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होने चाहिए, चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर्स होने चाहिए, पावरफुल चेंज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए जो आईटी के चेंज को मैनेज कर सके, क्योंकि आईटी का चेंज ही ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस ला रहा है। आईटी क्या कर रही है या टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, चीज़ों को ऑटोमेट कर रही है, कॉस्ट इफेक्टिव बना रही है, ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट इफेक्टिवनेस में काम कर रहे हैं करते हैं और वो कॉन्स्टेंटली उसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाते जा रही है, और जितनी कॉस्ट और कट थ्रूट कंपटीशन होने की वजह से अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बनाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपके माल को कोई नहीं खरीदेगा, आपके सामान को कोई खरीदेगा नहीं, आपके प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा, आपका प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं आएगी, वो एफिशिएंसी नहीं आएगी, तो इसलिए आपको चेंज को मैनेज करना पड़ेगा, चेंज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और सही तरीके से उसे चेंज को मैनेज और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि उससे ऑप्टिमम रिजल्ट्स निकल सकें और आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सके, आपका ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरली सर्वाइव कर सके, सिक्योरिटी प्रस्पेक्टिव्स को नज़रअंदाज किए बिना ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सके। थैंक्स।